संधि चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया, यानी संधि की पहले भेद को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर फिर पांच भेद थे। और अब हम लोग स्वर संधि को कंप्लीट करने के बाद संधि के दूसरे भाग में, दूसरे भेद में आ रहे हैं, जो है व्यंजन संधि। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी इस संधि में व्यंजन शामिल है। तो स्वर संधि में स्वर का शामिल होना आवश्यक था और इस संधि में व्यंजन का होना आवश्यक है। तो अब हम लोग इसको देख लेंगे। जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो, यहाँ हमें ध्यान रखना है, व्यंजन एक व्यंजन यानी एक तरफ व्यंजन हो, दूसरे तरफ व्यंजन हो या स्वर हो, लेकिन एक तरफ में व्यंजन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के मेल से बनी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण में हम लोग देख लेंगे सत और जन, तो यहाँ सज्जन, यहाँ हम देख रहे हैं त और ज मिल करके ये ज में बदल सज्जन। उसी तरह से व्यंजन के अन्य उदाहरण हम लोग देख लेंगे, यहाँ क और ग, तो दिक गज दिग्गज। ये हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पहला जैसे कि क ख वर्णमाला हम लोग जब देखते हैं तो क ख ग घ, तो उसमें यहाँ पर क पहला स्वर है, ये तीसरा वाला में अपने ही क ख और ग, तो अपने ही वर्णमाला का तीसरा वाला में बदल जाएगा। जैसे दिक गज, यहाँ दिग्गज। उसी तरह से त द में बदल जा रहा है, सत धर्म सद धर्म। सत न में बदल रहा है, सत और न मिलकर के ये न में बदल रहा है, ग में बदल रहा है। तो त का ये न जो है पांचवा, त थ द ध न यानी अंतिम पांचवा, तो या तो तीसरे वाले में बदलता है या फिर त थ द, यहाँ ये तीसरा वाला था और यहाँ पांचवा, तो या तो तीसरे वर्ण में बदलता है या फिर अपने ही वर्णमाला का पांचवा वाला वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जगत और नाथ, तो जगन्नाथ। तत् का च में बदलना, उच्चारण उच्चारण। त का ज में बदलना यानी उत ज्वल उज्ज्वल। त का ल में बदलना, उत लेख उल्लेख। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक तरफ हमारा व्यंजन, यहाँ दोनों तरफ व्यंजन है, लेकिन बहुत बार एक तरफ व्यंजन होता है दूसरी तरफ स्वर होता है। और यहाँ पर हम लोग अभी हम लोगों ने जितना उदाहरण देखा, यहाँ दोनों तरफ व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि, इसको हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे, यानी व्यंजनों का मेल हो रहा है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं इसी में अन्य उदाहरण, त और ध, उत्तहार उद्धार। म का अनुस्वार जो है सम और चय संचय। च ज में च और ज, अच और अंत अजंत। ट का ड में षट आनन षडानन। त का द में तत् टीका तट्टिका। त और ज, तो उत जयंत उड्डयन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ जितने भी उदाहरण हैं
सभों में हमें व्यंजन नजर आ रहा है। तो ये व्यंजन संधि हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें हम लोग को बस एक बात ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि अगर कहा जाए तो व्यंजनों का मेल होगा, या तो एक तरफ व्यंजन होगा और स्वर, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर उस संधि को व्यंजन संधि हम कहेंगे। अब हम लोग आएंगे विसर्ग संधि, यानी जैसा नाम से ही दिख रहा है इसमें विसर्ग का शामिल होना आवश्यक है, यानी ये संधि जब भी होगा उसमें विसर्ग जरूर ही शामिल होगा। तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि स्वर या व्यंजन के साथ मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं दुह बल दुर्बल, तो यहाँ विसर्ग जो है र में बदल गया। उसी तरह से विसर्ग संधि का हम अन्य उदाहरण हम लोग देख लेंगे, निह गुण निर्गुण, दुह कर दुष्कर, निह काम निष्काम, निह कलंक निष्कलंक, निह धन निर्धन, दुह चरित्र दुष्चरित्र, निह फल निष्फल, निह छल निश्छल। तो ये हमारा विसर्ग संधि का ये उदाहरण कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ विसर्ग या तो र में बदल रहा है या फिर श में बदल जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेंगे कि विसर्ग या तो र में बदल रहा है या फिर श में बदल रहा है। तो किताब के अनुसार अपना शब्दों को हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। चैप्टर ये वाला संधि का पूरा हो गया। ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहली बार आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ, यानी संधि जो है टॉपिक ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले 6 तक में ये टॉपिक हम लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा है। तो ये पहली बार इस टॉपिक को जब पढ़िएगा समझ करके धीरे धीरे किस तरह से मेल होता है स्वर का स्वर के साथ, व्यंजन और स्वर या व्यंजन संधि किसको कहेंगे और विसर्ग संधि कैसे बनेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाय, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।